हेलो एवरीवन। तो चलिए आज मटन बनाते हैं, मटन करी संडे स्पेशल। तो ये मटन लिए हैं, आधा किलो मटन है। इसके बाद है ये है टमाटर का प्यूरी। इसके बाद है ये है प्याज लहसुन अदरक और जीरा का पेस्ट है। और ये है दो लहसुन, ये तेज पत्ता, जीरा, ये है बड़ी इलायची और ये दालचीनी, एक प्याज कटा हुआ और हरी मिर्च। इसके बाद है ये नमक, लाल मिर्च और ये है मटन मसाला। इसके बाद है ये हल्दी। तो चलिए अभी कढ़ाई गरम कर लेते हैं। अभी तेल डालेंगे, सरसों तेल। तेल को गरम होने के लिए रख देते हैं। इसके बाद डालेंगे कड़े मसाले जो लिए हैं। सबसे पहले डालेंगे ये दालचीनी, इसके बाद डालेंगे ये इलायची और तेज पत्ता। जीरा को चटकने देते हैं थोड़ी देर के लिए। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मुझे सपोर्ट करने के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए इसके बाद डालते हैं दो लहसुन, लहसुन जो लिए हैं दो, उसे डाल देते हैं। उसे भी हल्का भून लेते हैं। देखिए हल्का उसको भी भूनने दीजिए। इसके बाद प्याज डालेंगे। तो चलिए डाल देते हैं प्याज, हरी मिर्च और सुनहरा होने तक इसको भुनेंगे। तो देखिए हल्का ब्राउन होने लगा है और थोड़ा सा भुनेंगे। इसके बाद मटन डालेंगे। चला लेते हैं। हल्का गोल्डन ब्राउन हो गया है, देखिए अभी डालेंगे मटन। तो देखिए इसे भी चला लेते हैं। अब फ्राई करेंगे अभी मीडियम आंच में। ट्राई करके ज़रूर देखिएगा, आपको शायद पसंद आ जाए। पहली बार आए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। देखिए बहुत ज़्यादा मसाला का तामझाम नहीं है, जो बेसिक सा मसाला है उसी से बनाए हैं। अच्छी तरह से भूनेंगे। देखिए अच्छी तरह से भुन जाएगा लहसुन और मटन, इसके बाद ही मसाला डालेंगे। तो देखिए हल्का भुन गया है। इसी तरह से कम 8 से 10 मिनट भुनेंगे, जब तक कि मटन अच्छे से भुन ना जाए। देखिए
अच्छी तरह से भून रहा है। मटन के साथ साथ लहसुन भी अच्छी तरह से भुनना चाहिए, तब खाने में अच्छा लगता है। इसी तरह चलाते हुए भुनेंगे। देखिए सबका तरीका अलग अलग होता है बनाने का, तो मेरा तरीका है सबसे पहले हम मटन को भूनते हैं, इसके बाद ही मसाला डालते हैं। तो चलिए अभी अदरक लहसुन और प्याज जो पेस्ट बना के रखे हैं उसको डाल देते हैं और इसको भी अच्छी तरह से भुनेंगे। हल्का भुन जाए इसके बाद दूसरा मसाला डालेंगे। चलिए इसके बाद डालेंगे टमाटर की प्यूरी। चार चम्मच डाल रहे हैं, आप चाहे तो घटा सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। तो चलिए इसे भी भून लेते हैं अच्छी तरीके से। भूनने में टाइम ज़रूर लगता है लेकिन खाने में बहुत टेस्टी होता है जितना अच्छे से मसाला भूनते हैं। देखिए भून रहे, अभी डालते हैं हल्दी कलर के लिए, इसे भी चला देते हैं। चलिए बहुत ज़्यादा मसाला नहीं डाल रहे हैं। हल्का सा मसाला भुन गया है तो चलिए अभी डालते हैं लाल मिर्च पाउडर। हम 2 चम्मच डाल रहे हैं, आपको तीखा ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं। वैसे हरी मिर्च भी डाले हैं इसीलिए लाल मिर्च कम ही डाल रहे हैं। इसे भी चला लेते हैं अच्छे से। इसके बाद डालेंगे मटन मसाला, हम एवरेस्ट का डाल रहे हैं मटन मसाला, आपके पास जो अवेलेबल है उसे डालिए। 2 चम्मच डाल रहे हैं भर के। ये मसाला को भी अच्छे से मिला लेते हैं, भून लेते हैं। सूखे मसाले हैं तो जल्दी भुन जाएगा। हल्का सा पानी डालेंगे, जैसे कि लग रहा है कि हल्का जलेगा नीचे तो पानी डालेंगे। इसी तरह से भूनते जाएंगे। ये नमक डाल रहे हैं स्वाद के अनुसार। चला लेते हैं इसे भी। चलिए अभी इसके बाद ढक लेते हैं थोड़ा देर के लिए ढक्कन लगा के। देखिए ढक्कन लगाने से मसाला और ज़्यादा पक गया है। हल्का सा पानी डालेंगे, नीचे सट रहा है तो। लगभग अभी होने ही वाला है, हो जाएगा। इसके बाद प्रेशर कुकर में डालेंगे, क्योंकि जितना भी देर कढ़ाई में भूनेंगे लेकिन गलेगा नहीं मटन, इसीलिए कुकर में डालेंगे। कम से कम 6 से 7 सीटी लगा लेंगे तो मटन अच्छे से गल जाएगा। देखिए अच्छी तरह से भुन गया है, अभी कुकर में ट्रांसफ़र कर देंगे और पानी डाल के गैस में चढ़ा देंगे। कम से कम 6 से 7 सीटी लगा लेंगे। देखिए पानी हिसाब से डालेंगे, ऐसा ना हो कि नीचे सट जाए।
थोड़ा सा ज़्यादा ही डालेंगे पानी, और बंद करके चढ़ा देते हैं गैस में। देखिए 6 से 7 सीटी होने के बाद देखिए अभी निकाले हैं। देखिए अच्छी तरह से पक गया है मटन। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो लाइक एंड शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।